हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल टेडी एंड वर्षू। और आज एक बार फिर से हम आपके लिए एक नया अनबॉक्सिंग वीडियो लेके आए हैं, जहां पर हम ये डिजिटल किचन स्केल को अनबॉक्स करेंगे। ये एक जेनरिक किचन स्केल है जो कि मैंने अमेजोन से ख़रीदी है। मैं इसका फर्स्ट इंप्रेशन रिव्यू करना चाहता हूँ और आपको थोड़ा सा फीडबैक देना चाहता हूँ कि ये स्केल आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से इस चैनल पर सब्सक्राइब कर दो और मेरे वीडियो को लाइक कर दो। तो आइए अब जल्दी से इसको अनबॉक्स करते हैं और मैं आपको इसका एक फर्स्ट इंप्रेशन देता हूँ कि इसकी क्वालिटी कैसी है। पैकिंग देख के तो ये ठीक ठाक लग रहा है मेरे को। पीछे से अगर देखूँ तो इसकी प्राइसिंग लिखी हुई है 1499। आई थिंक मेरे को अप्रॉक्सीमेटली 600 या 700 का ये पड़ा है स्केल। 12 महीने की इस पे वारंटी भी दी हुई है। अगर ये प्रोडक्ट आपको लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक छोड़ दूंगा। मैक्सिमम 5 kg तक का ये वेट ये स्केल कर सकता है। ये बेसिकली किचन के लिए है। अगर आप डाइट कॉन्शियस हो, अगर आप अपने चीज़ों को नाप तोल के खाना चाहते हो तो आप इस स्केल का यूज़ कर सकते हो, या अगर घर में आप कोई सामान मंगवाते हो जो कि 5 kg से अंडर है, उसका वेट चेक करना चाहते हो तो आप इस प्रोडक्ट का यूज़ कर सकते हो। इसमें AAA बैटरी 2 लगती हैं जो कि आई थिंक इसके साथ ही आती हैं। वो यूज़ करोगे आप, काफ़ी टाइम तक चलेगा। जब ख़त्म हो जाए तो आप बैटरी रिप्लेस करके नई बैटरी लगा के यूज़ कर सकते हो। टेयर का भी फीचर है, जैसे कि अगर आप कुछ बाउल रखते हो इसके ऊपर और वेट करते हो तो उस बाउल का वेट अगर आप हटाना चाहते हो तो टेयर का ऑप्शन आता है, जिसको आप दबा के इसको आप यूज़ कर सकते हो। सारे फीचर्स मैंने मोस्टली बता दिए हैं अनबॉक्स करते करते ही। यहाँ पे एक वारंटी कार्ड दिया हुआ है नीचे। आई एम श्योर इसका 15 डेज़ के अंदर रजिस्ट्रेशन करने का भी दिया हुआ है कि आपको रजिस्टर करना है विद इन परचेज, तो हम इसको रजिस्टर कर लेंगे। इस कार्ड को हम रखेंगे। वैंडेले ब्रांड का नाम है, उनकी वेबसाइट भी दी हुई है यहाँ पे, वहाँ जाके रजिस्ट्रेशन होगा। 100% गारंटी, कस्टमर सेटिस्फैक्शन। पैकिंग मुझे देख के अच्छी लग रही है। ऊपर ये ब्लू कलर की फिल्म लगी हुई है, वो भी अच्छी लग रही है। काफ़ी अच्छे तरीके से इंस्ट्रक्शन मैनुअल भी दिया हुआ है कि कैसे यूज़ करना है। और 2 AAA बैटरी आप देख रहे हो यहाँ पे पैकिंग के अंदर दी हुई है। तो आई एम इम्प्रेस्ड विद द पैकिंग, आई एम इम्प्रेस्ड विद द प्रोडक्ट सो फार। लेट्स अनपैक दिस एंड सी कि ये कैसा है। मेड इन चाइना, जानते ही हो आप कि यह सब कुछ, जितनी भी चीज़ें, मोस्टली चीज़ें जो इंडिया में आती हैं वो मेड इन चाइना होती हैं, स्पेशली जब वो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हों और इस टाइप के आइटम हों। क्वालिटी वाइज 600 रुपये के हिसाब से आई थिंक अच्छी है, बहुत बेकार नहीं है, बहुत ही ज़बरदस्त प्लास्टिक क्वालिटी भी नहीं है, बट ठीक ठाक है। बैटरी लगा लेते हैं टेस्ट करने के लिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने बैटरी इसमें बड़े आराम से फिट कर ली है, कोई बड़ी चीज़ नहीं थी। आगे ये प्रोटेक्शन फिल्म दी हुई है, ये स्टेनलेस स्टील आगे से बॉडी मटेरियल क्लेम करती है कि यहाँ पे दिया हुआ है। वो मैं देखना चाहता हूँ, इस ब्लू फिल्म के नीचे है बेसिकली वो, जो कि आपका स्टेनलेस स्टील सिल्वर कलर का दिखेगा। उसको करने से पहले एक बार मैं ऑन करके चेक कर लूँ कि ये प्रोडक्ट वाकई में काम कर रहा है कि नहीं। पता चला मैंने फिल्म निकाली और प्रोडक्ट फॉल्टी निकल गया तो फिर अमेज़न वाले वापस भी नहीं लेंगे। ऑन कर लिया है, लाइट जल रही है, काफ़ी विजिबल लाइट है। 0 ग्राम जैसा कि आप देख सकते हैं। आई थिंक 1 ग्राम से ये वेट करना आपका स्टार्ट करता है, क्योंकि मैंने हाथ में पकड़ा हुआ था, ये फ्लक्चुएट कर रहा है। इसको हम नीचे रख देते हैं और कैमरा एंगल थोड़ा सा चेंज करते हैं जिससे कि आप देख सको। और अभी इस पे आप देख रहे हो 213 ग्राम ऑलरेडी वेट दिखा रहा है। मुझे नहीं पता ये क्यों दिखा रहा है, कुछ फॉल्ट है, कुछ है इस पे, ऑलरेडी इतना वेट क्यों ले रहा है। अभी ये 0 ग्राम पे आ गया है, लेट्स सी। माउस है मेरे पास, माउस का वेट चेक करके देखते हैं। 80 ग्राम्स आ रहा है, ओके। एंड मेरा फ़ोन है, फ़ोन का वेट भी चेक करके देखते हैं। 245 ग्राम्स आ रहा है। आपको रिकॉर्डिंग पे दिख नहीं रहा होगा क्लियरली क्योंकि वहाँ पे फिल्म लगी हुई है, बट आई कैन अश्योर यू कि वेट अच्छे से ले रहा है। और जैसे ही प्रोडक्ट को आप उठा रहे हैं तो 0 ग्राम हो जा रहा है। अब एक बाउल ला के चेक करते हैं कि टेयर फंक्शन भी काम करता है कि नहीं इसका। तो अभी मैं इस पर एक बाउल रखूँगा जिससे कि आप देख सको कि इसका वेट कितना है। 337 ग्राम का बाउल का वेट है। अब इस पे हम टेयर फंक्शन
यूज़ करके देखेंगे। यहाँ से यूनिट चूज़ करने का है और यहाँ से ही आई थिंक टेयर करने का ऑप्शन होगा। टेयर फंक्शन यूज़ करने के लिए आपको यहाँ पे दबाना होगा और ये स्विच ऑफ हो जाएगा एक तरीके से मशीन, और जब आप इसको दोबारा प्रेस करोगे ये ऑन होगा तो ये टेयर फंक्शन ले लेगा। बाउल का वेट अब कंक्लूड नहीं करेगा। बाउल के अंदर अब जो भी रखोगे, पहली पिछली बार हमने माउस रखा था जो कि 80 ग्राम्स का आया था, माउस रख के देखते हैं इसके अंदर कितना आ रहा है। तो आप देख सकते हो कि वो एक्यूरेट वेटेज ये मशीन दिखा रहा है। पिछली बार भी बिना बाउल के 80 ग्राम दिखा रहा था और इस बार बाउल के साथ भी 80 ग्राम दिखा रहा है। तो विद द फर्स्ट इंप्रेशन आई वुड रिकमेंड टू बाय दिस प्रोडक्ट। सो जैसा कि आपने देखा कि ये मशीन कितना ही अमेजिंग काम कर रही है, आई होप यू लाइक दिस प्रोडक्ट। अगर आप ये प्रोडक्ट लेना चाहते हो तो प्रोडक्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। सो प्लीज मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू अंटिल नेक्स्ट टाइम।